17 से 19 अगस्त के बीच हुई मुलाकात है। कंधार में था जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर। मीटिंग में तालिबान की टॉप लीडरशिप भी मौजूद थी। मसूद अजहर, अगर आपको याद होगा, यहां पर दो तीन एंगल है। पहला तो इस खबर में एंगल यह है कि तालिबान से मुलाकात कर रहा है उसी कंधार में जिस कंधार में यह रिलीज किया गया था जब भारत IC-814 को हाईजैकिंग हुई थी। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बड़ी खबर यह है कि मसूद अजहर पाकिस्तान का एक ऐसा आतंकी है जिसको लेकर बाकायदा FATF में उसको छुपाया जाता है, मोस्ट वांटेड लिस्ट में, उसके बावजूद यह सब हो रहा है। सुमित, ये जो अलायंस बन रहा है, ये सीधे तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक ट्रेनिंग कैंप, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप या एक हंटिंग ग्राउंड बना रहा है आतंकियों के लिए। देखिए, ये बनना तो निशान लगभग तय ही है। ऐसा नहीं है कि तालिबान जो है एक बड़ा ग्राउंड बना रहा, बल्कि तालिबान ये ग्राउंड पहले इन आतंकी समूह ने तालिबान के लिए बनाया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, और अभी इन्हीं ग्राउंड का या फिर इसी बेसिस का इस्तेमाल अब ये आतंकी समूह पाकिस्तान के, वो अब इसका इस्तेमाल कश्मीर एजेंडा पे करेंगे। तभी ये बात कही जा रही थी कि तालिबान में जो फोर्सेज शामिल है उसमें मैक्सिमम नंबर वो है जो अलकायदा या फिर दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग शामिल है, और अभी ये चीजें और बढ़ेंगी क्योंकि अभी भले ही तालिबान सब अपनी इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन धीरे 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 ना सिर्फ और रिपोर्ट आएंगी जिसमें हथियार और दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है आतंकी समूह को तालिबान की तरफ से दिए जाएंगे, बल्कि प्रॉपर प्रोपोगेंडा भी तालिबान इनके लिए करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।